दुखी तो नहीं है कोई, भी कोई दुखी तो नहीं है। तो बादशाह नूं पांच आदमी मिले, कहिंदे तुसीं कौन हो? वो कहिंदे चोर। ते चोरां ने पुछा कि तुसीं कौन हो बादशाह नूं? वो कहिंदे मैं भी चोर। कहिंदे फिर तो अपना बेली बन गया भाई, क्यों पंज दासियां ते छीमा ये है। तो उन्होंने राय मशवरा किया भी अपनी अपनी कुरबानी दसो, अपनी अपनी सिफत दसो कि तेरे कि गुण है। एक सब तो पहला बोलिया जिम्मे हैप्पी जी बैठी है कि मैं कुत्ते की आवाज पछाण ला। अच्छा कुत्ता की कहना है भी किमें है? चलो भी यह भी बहुत वधिया, पता तो लगे कौन है। अच्छा दूसरे का नंबर आया कि तू बई कि मैं जी ऐसी कमंद लाना कितने आदमी चढ़ जान कोई आदमी टुटूगी नहीं। ठीक है एक प्रेमी ऐसा कहना है चोर कि मैं इस तरह पार लाना कि खड़का नहीं होने दिंदा। कि यह भी ठीक है खड़का हो तो लोग खड़े होंगे। एक कहना कि मैं सुग के कीमती खजाना दस देना भी कितने कीमती खजाना है, कि यह भी बड़ी कमाल की गल है। अच्छा एक कहना है कि जेदा मैं रात नूं उन्हूं दिने देखा उन्हूं मैं अंधेरे च ही पछाण जाना, यह भी कहना ठीक है। हुण आ गई बादशाह की बारी। बादशाह ने आखे मैं की आखा? तो उन्हें आख्या भी ठीक कि मेरी दाढ़ी च इन्नी सिफत है कि जी आदमी भी आदमी या पंजा आदमी फांसी चढ़ दिया ना तो दाढ़ी हिला दें सारे माफ हो जाए। कहते मौज बन गई बई, जिमें हूँ हैप्पी जी तुम्हें तकड़ा बंदा मिल गया चंडीगढ़ है जी, तो मौज बन गई भी चोर तो पकड़े जाने हैं। बकरे की माँ किन्ने दिन खैर मना है बई, तो चोर तो पकड़े जाने हैं। चलो भी अपने अपने चलो। जो चोरी कर चले बादशाह के मकान वल तो कुत्ता भौंकिया, कहिंदे बई की कहिंदा कुत्ता? वो कुत्ता कहिंदा भी थोड़े जिहे बादशाह भी है। कहिंदे हुण कुत्ता ठीक बोलिया, सारे ने हस के टालती। कुत्ता कहिंदा थोड़े बादशाह भी है? कि हाँ जी बादशाह है। चलो दड़ पट गए सारे, कमंद वाले ने कमंद लाई, पाड़ वाले ने पाड़ लाया, खजाने वाले ने खजाना सुंघ के दसिया, सारा लै लिया के लिया के रात को अद्धा बन बना के अपने अपने घरे बागे। तो सवेरे ही बादशाह ने सारे इकट्ठे सारे बुला ले, क्यों रात को भेस बदले हुआ सीगा, बुला ले चोरां नूं। और जिन्हों कह लगे भी तू दिने भी पछाण जाना तो रात को पछाण जाना भी है किवें? कहिंदे वो कहिंदा ये रात वाला बंदा अपने नाल ही है, ये रात वाला ही है अपने नाल, ये बेली रात वाला ही है। सारे ने गलत पल्ला पा के बादशाह तो माफ़ी मंगी। सानू सबनों पता है भी चोरी करना बहुत गुनाह है, जुलम है, धोखाधड़ी करनी बड़ी जुलम है, धक्का मुक्की करनी बड़ी जुलम है। कोई हटिया कोई, पर जो सिर ते डंडा आ गया मनना पै गया। तो भाई देखो इस तरह है कि साढ़े अंदर पांच चोर बैठे है, वो सारा दिन सानू कमाई फिरते हैं, चोरियां ठगियां करवाउंदे आ, बदमाशियां करवाउंदे आ, झूठ बुलाउंदे आ, धक्का मुक्की करदे आ, धोखाधड़ी करदे आ। पंज चोरां ने सानूं बेहोश कर रखे है। इन्हां नूं काबू करन वास्ते संतां दे कोले जिहड़ा गुरमंत्र है, जिहड़ा बंदा जपूआ वह बंदा सौखा रहूगा, वह बंदा सुखी रहूगा, भजन सिमरन करूगा, सारा परिवार सुखी रहूगा, तो मालक की दरगाह सब तो पहला जाऊगा। अगर संतान की गल ना मनांगे तो बई साडे वास्ते तो संतान ने डुगडुगी बजाई, उन्होंने साडे वास्ते टाइम कढ़िया, कीमती बड़ी दया कीती, पर जे संतान तुसीं दया ही ना लई, उन्हां दी रहमती ना लई, तो ये तो गलती साडी है। संतान ने साडे वास्ते बड़ा टाइम कढ़िया, फकीरां दा असीं देना नहीं दे सकते। साडे अंदर इतने गुनाह हांगे जितने साढ़े शरीर से रोम है, पर वह सतगुर बड़ा दयालु है, वह दया ही करता जीव से, हमेशा दया ही करना आता साढ़े से, प्यार ही करना आता है, पर असी संतान का देना नहीं दे सकते। संतान की कदर करो, प्यार करो, उन्हों का हुक्म मनो, ये फायदा खटना था, नहीं तो वेखो बई असी करजाई हो जाएंगे, करजाई हो जाएंगे, जे असी भजन ना किया तो करजाई हो जावे। मैंने सही फरमाया करते सीगे ढाई घंटे भगती करते होना तो रोटी का बदला उतरता है। गृहसी के घरे एक बार रोटी खा ले, ढाई घंटे भगती करोगे तो थोड़ा बड़ा बरपला होगा,
उत्ते भजन करोगे तो थोड़ा होगा। लालो साहब ढाई घंटे कौन कर दिया, कोई मन बैठन दिंदा किसी नूं? अखां मीच के बैठ जाओ, मन तो भजे ही फिरदा। ये बगैर लगाम का घोड़ा है, तो यह मूँह सिरी कोई तो संतां दा हुक्म मन के दीनता निम्रता अपने मुरशद के बेनती करके, बाबा मैं तो गुनाहगार हाँ, मैं ठग चोर हाँ, तू दया मेर करना, दया मेर का सिर ते हाथ रखना, अपनी दया नाल भजन सिम करा। तेरी दया मेर तो बगैर मैं कदम भी नहीं चल सकता। मैनेजर साहब जी ने जो तो असीं डेरे च आए, उन्होंने इतना प्यार दे नाल संगतां नूं प्रेमियां नूं समझाया। अज उन्हां मैनेजर साहब जी दे संस्कार होणगे, उन्हां दी संगत बनाई हुई है, मैनेजर साहब की संगत जोड़ी हुई है, उन्होंने प्यार नूं संगत आउंदी है। चाहे सानू किन्ना ही धक्का मुक्की होवे, संगतां ने तां आउणा ही आउणा है, संगतां ने आउणा ही आउणा है, चाहे कुछ हुंदा रहे, असीं दरबार नहीं छड्ड सकदे। मैनेजर साहब जी ने इतनी भक्ति की है, किसी के दिल से ना होवे कि डेरा साढ़े सिर ते चलता है, मतलब नहीं, ये भक्ति मैनेजर साहब ने इतनी की है, जुगो जुग डेरा चलूगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कितने किसी को हंकार होवे, इतनी मैनेजर साहब ने भक्ति की है कि दुनिया नु सब नु पता है। मैदान जाके बैठे थे, बड़ी बड़ाई दुकान से हरेक आदमी सौदा तोल लूगा, नवी दुकान बना के चलानी कितनी औखी है। अज साडा बाप किसी बच्चे नु अड कर दे, अपना मकान नहीं बना सकता, दर बदर फिर भरूगा हो, अगर वो भगती है राम नाम का खजाना सब कुछ कर लूगा। हुण रघुवीर जी ने साढ़े सामने देखते देखते देखो ये भगती का प्रताप है। गोरीवाल डेरा किड्डा बड़ा बनया, किवें बनया बई, किसी के अगे रघुवीर जी ने हाथ नहीं किया, दसो किसी ने, तो कोई कमी आई उत्थे कोई? मैनेजर साहब जी वाली शिक्षा से रघुवीर जी चले, मैनेजर साहब जी वाली शिक्षा से अस चलते हैं कि मांगना मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण से मरना बुलाजे सतगुर की सीख। अपने आप खुशी से पानी पिया दिया तो दूध है, और मांग दिया तो दूध का पानी है। मांगी हुई चीज में कभी बरकत नहीं, कभी खुशी नहीं है, जैसे आता है वैसे जाता है। तो ये गुप्त खजाना है भक्ति का, जिसने छपाया थे उसने ही पाया। तो मैनेजर साहब जी ने बाफ नहीं निकाली, आज उनका सदके सारी संगत आ रही है डेरे में। हाँ जी, केड़ा बोलते जब? अच्छा आप प्रेम बोलते हैं ना, ये पूरा किने किया जी, मैं केड़ी गलते बोलिया जी? प्रेम बोलिया करे से। अच्छा प्रेम वाली गलते बोलिया जी? अच्छा अच्छा, हाँ जी, हुण मैं बोलन लग गया। मैं हूँ कई बार में बोलते बोलते दो टेशन लग जाते हैं, कई बार हिंदुस्तान का, कई बार नेपाल का ही पढ़ लेना, मैं नेपाल का ही पढ़ लेना, समझ नहीं आती कि किमें बाबा बेड़ा पार लाऊगा। मैं तो कहना भी बाबे के बुलेरे जाइए, बागड़ी कहें कि आंदा कि माखी तो राम ही उड़ावा भाई, वह तो बाबे जी की रहमत है, वह तो मैंने साहब का हुक्म सी, उन्हों का हुक्म है तो मैंने साहब का, हाँ आटा गुन रहा सी, बार बंद करने का डर सी। चौधरी साहब तो साढ़े जज साहब दोनों अखबार पढ़िया करते जी, हूँ अखबारों से तो लड़ाई दंगा ही है जी। तो चौधरी साहब साढ़े चौधरी देवी लाल का यार यार दोस्त थी उन्होंने, जज साहब से जो कांग्रसी सी, हूँ आपस में गल्ला गल्ला लड़ पेंदे सी। एक दिन मैं आटा गुन्न जाना तो लंगर च अखबार पढ़ते पढ़ते लड़ते लड़ते मेरे उत्ते डिग पे, मैं कहा मैं तो झोटियां की पेट च मरे गया सी यार। मैं बाबा जी को गल की, मैंने सही लड़े, कहते खबरदार है मुड़के कोई लंगर च बड़ेगा, गेट बंद रखा कर। हूँ गेट बंद करना मैं तो बड़ा औखा हो गया भाई, कोई चाह मंगता है, कोई लस्सी मंगता है, कोई पानी मंगता है, गेट बंद रखा करा। आटा मैं फिर बार खोल आटा गुन्या करा, आई गए प्रेमी बार खोले गए, आई गए जमा तप गया मैं। अखीर ते जो बार खोलिया तो मैं यार ने बड़ा दुखी किया, आ गए मैनेजर साहब जी अंदर, खुश हो गए, कहते भी कमाल हो गई। तो मैनेजर साहब ने की फरमाया कि सारे डेरे वाले तेरे ते नाराज है। मैं सारे नाराज है? बाबा जी आप तो राजी हो कि मेरा तो आ
एक एक बाल एक एक रोम तेरे ते राजी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो फिर मैं शब्द गा के सुनाया कि मेरा रुसे नक लंगिया बाला जग पमे सारा रुसे मेरा रुसे नक लंगिया बाला जग पमे सारा रुसे जय मेरा रुसे नाम जैब प्यारा जग पमे सारा रुसे जय। देखो भाई हुण मैनेजर साहब का बचन है हुण किन्ने तड़े तड़ा लैण मेरा की लैणगे चढ़ाई जांदे तड़े अंदर बैठे जोर मारी जाने मारी जाओ पर मैनेजर साहब जी हाजिर है अजे तक किसी दे नाल धोखाधड़ी नहीं किया किसी नूं झूठ नहीं बोलिया ते सच आखण तो मैं अजे हटिया नहीं सच आखण तो नहीं हटिया मैनेजर साहब ने कहा सच बोलो असीं भी सौखे अगला भी सौखा एक बार गप मार के अगले राजी कर दोगे तो किन्नी देर चलूगा अगले नूं सीधा कह दो तेरे मूहरे टोया भाई बच जूगा जे कहता यार राह ठीक ही है अखा मीच के चला जा तो असी अन्ने हाँ मैनेजर साहब जी ने दया की सू सारा ज्ञान दिता हो कि हाँ जी कहना हुक्म मोड़ना नहीं कि हाँ जी कही जाना तो बाबा जी ने कहने के दो पाई का आदमी आ जूगा वह मन लैणगे संतान की गल कोई नहीं मानता कोई नहीं मानता किताबा पढ़ाया करते मैनेजर साहब जी सब तो लास्ट मैं बुलाया करते बुलाओ कि लंगरी हूँ कई बार बुला मैं रोटी पका हों फिर मैनेजर साहब ने कहा कि सारे नाराज है मैं शब्द गा के सुनाया तो मैनेजर साहब ने कहा तुझ तो राजी हो कि मैं तो राजी हूँ मैनेजर साहब कहें मैं स्पैशल आया हाँ जी अज मंग तू जो कुछ मंगता तेरी मैं गल पूरी करूँगा मैं आख्या जी मैनू तो एक आपकी दया मेहर की लोड़ है बस दया ही दया मंगता रहा मैं जी आपकी दया मेहर की लोड़ है होर कोई गल एदो बद आख ही नहीं सकिया कहते ठीक है दया मेहर बहुत है जो चले गए फिर मैं सोचा यार तू तो यार कहना सी बाबा जी थोड़ा सत्कर नहीं दिखा दो कि बड़ा है नामी तो आमी दिखा दो मारे उदे कड़ा रोटियां पका के नामी तो हम जा बढ़ते मुड़के फिर आ जाते रोटियां पकाइया तो दुध पाया मुड़के फिर आ जाते कई तरंग उठाए पर रहमत मैनेजर साहब की है दया ही दया है उन्होंने हुण मैं बयान नहीं कर सकता किन्नी दया है मैं कहना भी है नहीं दया सारी संगत हो जाती है ना 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 रोज किथे जाने हां जी हां जी गोडे दुखण लग गए हुंदा हां जी ए साध संगत दे चरणां च बेनती है हां वाह जी वाह ए जो अज शाह मस्ताना बलोचिस्तानी बाबा सामने शाही मैनेजर साहब जी दे जन्म दिन दे भंडारे दा सत्संग नेड़े दूरों बाबा जी दी कृपा नाल संगतां आईयां ने ते हाजरियां लाईयां ने ते जिहड़ा हाजरियां लाउंदा है सत्संग ध्यान नाल सुणदा है उहदे चेहरे ते नूर आ जांदा है मालक दा जिहड़ा ध्यान नाल सुणदा है ते जिहड़ा ध्यान नाल नहीं सुणदा उहदे नहीं आउंदा क्योंकि एक प्रेमी ने नाम लिया ते ओ दुपहरे रोटी रूटी खा के ते मंजे ते बैठ के नाम जपन वास्ते ते मरासी आ गया मंगदा मंगदा मरासी जद आया तो उन्हें देखिया भी ये कपड़ा जे लैके बैठा है ते मैं तो इहदे कोल कुछ मंगण वास्ते आया ते हुण कदों ये कपड़ा उतारे ते मैनू कुछ देवे उसने काफ़ी टाइम लाता ते मरासी थले बैठ गया तो उन्हें भी कपड़ा लै लिया उपर जदों उसने कपड़ा लै लिया तो फिर मालक ने जो कपड़ा उतारिया उन्हें कि भी ये खरे कौन बैठा आके कहिंदा तू कौन है कहिंदा जी मैं तो मरासी हाँ तो कहिंदा तू इत्थे किवें बैठा है कहिंदा जी मैं तो तैनू वेख के मैं बैठ गया कहिंदा मैं तो मालक का नाम जपदा सीगा मरासी कहन लग्या फिर नाम जपन नाल की हो जांदा है वह कहिंदा जी नाम जपीए तो मालक दे दा नूर है ना जिहड़ा चेहरे ते आ जांदा है कहिंदा अच्छा कहिंदा फिर सब नालों कीमती समा केड़ा है नाम जपण दा वह कहन लग्या भी नाम चलदे फिरदे तुरदे फिरदे जदों मर्जी जपो पर सुबह तीन बजे जे उठ के नाम जपीए तो वह सारिआं नाल समा सोहणा है। उमरासी ने कहा भी सारा दिन तो असीं मंगदे आं तुर फिर के ते फिर तीन बजे वाला टाइम ठीक है तो कहन लगे जी फिर नाम जपण लग्या कोई इहदे नाल परहेज कहिंदा कुछ नहीं जी बस जे तेरा दिल करदा है तां नहा लो नहा के ज्यादा नाम जपण बैठ जाओ मरासी है इह कहिंदे ने जिंदगी च दो वारी नहाउंदे ने एक वारी जदों आउंदा ते उस तों बाद दूजी वारी जदों
सुबह 3 बजे जो उसनू टाइम देखिया भी ठंड का टाइम है तो उसने तो नाम जपन वास्ते भी 3 बजे का टाइम दिता है तो नहाने वास्ते क्या वह कहते अमरासी कह लगे जी मिट्टी है ना धरती है भी पवित्र है। हूँ वो गरीब परिवार से मंजे मुंजे को ऐसे नहीं सौंदे थले ही से चलो उसने जो राती उन्हों तलब लगी भी मैं अज मालक का नूर चेहरे ते लिया के ही हटांगा 2 बजे उठ के बैठ गया घरवाली नू कहन लग्या मैनू 2 बजे उठा दे वह कहती की करना है कहता मैं अज मालक का नाम जपांगा तो मेरे चेहरे ते नूर आ जाएगा मैं कहना पुछना इन्ना नूरों नूर हुंदा है ते वेख के हैरान हो जाता मरासन कहती ठीक है 3 बजे उठा देंगी उन्हें 2 बजे उठाता मरासी ने कहा ना आते तो नहीं ठंड का टाइम है मिट्टी भी पवित्र है उन्हें थले हाथ मार लग्या तो नाल तवा पिया पुठा उन्दा तवे ते हाथ वर गया तो उन्हें मूँह माते मार राती मार मूँह ते ला लिया ते चाच फिर ला के कपड़ा बैठ गया जदों सवेरे दिन जा चढ़न लग्या तो माड़ा माड़ा दिन चिट्टा होने लग्या तो मरासन नू बुलांदा कहिंदा भज के आई भज के आ कहिंदी की गल हो कहिंदा मेरे वेख चेहरे ते नूर आया कि नहीं उन्हें जदों वेख्या उन्हें क्या इस तरह किवें रंग बिरंगा जो होया फिरदा वह मरासन कह लगी भी मैनू तो हूँ पता नहीं भी नूर का रंग किहो जिहा हुंदा मरासन कहती जे तो है नूर काले रंग का फिर तो पुछ ना मरासी आ कटा बन के आया ते जे कोई होर रंग है तो तेरा पहला वाला भी चलिया गया ये जेड़ा ध्यान नाल सुनदा है सत्संग च आउंदा है ध्यान नाल जेड़ा सुनदा है ना नूर ओहदे चेहरे ते आउंदा है ते जे कोई सत्संग च बैठे फिर उन्हूं ये रस आउंदा है। इस तरह किसी ने अपने भाई नूं कहा भी सत्संग ते चलो कदे जिंदगी च गया इन्नी धक्के नाल नूं ले आउंदा संगत च नहीं आके बैठा बाहर ही जाके बैठ गया कंध नाल बैठा कंध अंदर तां मैं जांदा नहीं वो घर दे लियाए भी फिर भी संगत च ना बैठा बार कंध ना बैठ गया हुण संगत इत्थे बैठी इत्थे तां नींद घट आऊगी प्रेमी नच रहे ने भजन बाणी सुन रहा रहे ने वो बाहर बैठे बैठे नूं नींद आ गई नींद आई तां मूँह खुल गया मूँह खुलिया तां कुत्ता आया तां मूँह च पेशाब कर गया ये कुत्ते नूं आदत ही है पेशाब उन्हें कहा भी कोई ये पुराना मुट पिया जदों सत्संग की समाप्ति होने लगी संगत कहन लगी अज बड़ा रस आया सत्संग का अज बड़ा रस आया सत्संग का उन्होंने जो जा गई कहते झूठे केड़ा रस मिठा है कहता बक बका सी कहता ठीक है तो यह ध्यान रखे जी जेड़ा ध्यान नाल सुनूगा उनके हिस्से च चीज आऊगी बाकी वह संगत बेनती है तुम बैठ जाओ खड़े खड़े थक जाओगे क्योंकि अपना प्रोग्राम लगातार 70-80 घंटे चले गए धन धन सतगुरु तेरा ही वाह जी देखा प्रेम जी हां जी वाह जी देखा भाई देखो बेनती है भी संगतां नु खुश करना ये सब तो बड़ी भक्ति है कहंदे ना खुशी जैसी खुराक नहीं ते गमी जैसा रोग नहीं खुश हो गए तो बाबा खुश हो गया संगत नाराज है तो बाबा खुश है नाराज है ते संगतां नु राजी रखो ते बाबा खुश है सानू भी खुशी मिलती है। हां जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है वाह भाई वाह तेन भी माड़ा मोटा कहानी आंदी है दंदन सतगुरु तेरे ही आस मैं जेड़ी चीज है ना जो भी संगत च आउंदा रहिंदा उहदे भाग बन जांदे ने ते संगत च ना आवे जे नकल करे जिवें बाबा जी ने पहले कहा भी चोर चोरी करेगा तो फड़िया जांदा है अज नहीं तो कल फड़िया जाऊगा उन्होंने वेख के कोई होर तैयार हो गया कहिंदा चोरी करन दी की खास गल है मैं चोरी कर देना पता ही नहीं लगन देना हुण उसने कदे चोरी करी तो नहीं सी जे चोरी करन वास्ते रात नू 2 बजे के जदों उठिया तो जान लग्या तो कंध टप्पिया ना जिन्हां दे घरे चोरी करन वास्ते हाली कंध तो छाल मारी तो मालकां ने पकड़ लिया उस वेरे उन्हूं पुट्टा मारी होण लगी ते कहन लगे तू कहिंदा सी मैं चोर बड़ा पक्का ते मैं तां किसे को फड़िया नहीं जांदा ते इन्नी जल्दी किवें फड़े गया कहिंदा मैं की करां पीपनी वाले सैंडल पा गया मैं वो आवाज करदी सी उसे टाइम फड़िया गया हुण चोरी करन दा वी तां तरीका होना चाहीदा ना ते इत्थे राम नाम दी संगत च आए हो ये जिहड़ा राम नाम दा खजाना लुटना है ये सौखा नहीं मिलता
ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਸਾਧਸੰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੂਟ ਹੈ ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਝੂਠ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਲੋਗੇ ਲੂਟ ਜੂਤੇ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪੜੇਗੇ ਸਿਰ ਜਾਏਗਾ ਫੂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦਰਿਆਇਆ ਬਾਬਾ ਮੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦਰ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਮੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਮੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ ਸੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ ਸੇਵਕ ਦਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋੜੀ ਨਾ
पर हो जाए तेरी कृपा, पिंगला पर्वत चढ़ता जी, ओ पिंगला पर्वत चढ़ता जी, पिंगला पर्वत चढ़ता जी, गूंगे नू जे रसना बख्शे कथन बाणी दा करदा जी, गूंगे नू जे रसना बख्शे कथन बाणी दा करदा रोड़ी ना, जिंदनी माड़ी नरका दे विच रोड़ी ना, कर नहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर महर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, मैं सेवक दर आया बाबा मोड़ी ना, मैं सेवक दर नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, मैं सेवक दर आया बाबा मोड़ी ना, मैं सेवक दर आया सतगुरु मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा ना।
सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत प्यार दा सुनाया भाई है जी कि मैं तेरे दर दा मंगता खैर नाम दी पाउन आया। देखो लैन भाई आपा संतां तो की मंगना है, दया मेरी मंगनी है, भजन सिमनी मंगना है, होर किसी चीज की लोड़ नहीं है। जो दया मेर मंग ली भजन सिमन मंग लिया तो कोई कमी नहीं रहेगी बस। हाँ जी श्री भवन पहला ये साढ़े हाँ गुरविंदर जी हाँ वाह जी श्री भवन भी है तो होर बोले बोले की कहती है मिठी ਹੋਈ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਰਤ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। सतगुरु होवे दयाल ते कबहु न चुईए सतगुरु होवे दयाल ते शरदा पूरी सतगुरु होवे दयाल ते शरदा पूरी सतगुरु होवे दयाल ते हर रंग माणी
ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਜਮਕਾ ਡਰ ਕੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਜਮਕਾ ਡਰ ਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਸਦਕੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਸਦਕੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਏ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝਾਈਏ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਚੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਚੂਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਸੋਹਣਿਆ ਜੁਦਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਦਾ ਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨੇ ਸਲੇ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੁਦਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਦਾ ਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨੇ ਸਲੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਸੀਨੇ ਸਲੇ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਝੁਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਫਸਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਝੁਕਿਆ
कर दो ने। क्या काम करते हो? सेल्समैन। सेल्समैन किथे? सिरसा। अब सिरसा जा रहे होगे? चलो लंगर पानी खा के जाना। माता जी को छोड़िया, कोई बात नहीं। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਅਲੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਲੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਕਰੇ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਤੇ ਰੋਵਾ ਜੀ, ਤਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਉਹ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਸੋਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਸੋਵਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ
अलोकी चुप दे पिता बाबा दास फूल बिच पड़े ने शाम से ताना जी ने फसता गुरु जी तेनु मिलने नु अलोकी चुक दे पिता पावाड़ा फसता सकूल बिच पड़ने नु ओ असा चुकया परे मवाड़ा फसता सकूल बिच पड़ने नु बाबा जी तेरे मिलने नु दंत सतगुरु तेरे आसरा हाजिना जी जिंदा राम तेरे ही आसरा श्री भगवान बुला दी श्री भगवान बोल दे श्री भगवान तो 24 घंटे जब सारे ने नाल ही बोल जांदा है ओ तो एक मिनट ही नहीं हुन थोड़े 11 हो गए ना साढ़े हो गए ना ए नु यारा मुंडा अच्छा गाउंदा है तेरा पिंड कड़ा भाई अच्छा लीगा है के अच्छा कमाल है एक कोई शब्द बोल बेटा एक कोई हां एक कोई बोलना है अच्छा तू भी कोई शब्द बोलने जान दिया माड़ा मोटा कि नहीं नहीं बोल दिया अच्छा ठीक है ना फिर मरासियां तो सारे मरासियां भी गा लैंदी है ना फिर मरासी का जवाक रो तो यार राग जी रोंदा है रजाई जलता मारी जाओ तेरा यासरा हाज ना जिंदा राम तेरा यासरा हो तैयारी करो फिर प्रसाद की चाह तैयार है चाहे पियाऊंगे या इतने पियाऊंगे पहले चाह पिया के फिर प्रसाद बनाऊंगे अच्छा पहले चाह पियाऊंगे ठीक है जिम्मे सैटिंग की ठीक है हाँ जी ओहो बंदे खुदा हो जांदे ओहो बंदे दंदन सतगुरु तेरा यासरा हाजना जिंदा राम तेरा यासरा नी मैं नचना गुरा दे नाले अज मैनू नच लैंदे नी मैं नचना गुरा अपने बाबे